हेलो बच्चों बच्चों, हमने क्लास 9 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है बिहेव है ना, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, जिसका नाम था द फन दे हैड। ठीक है, अब इसी जो फर्स्ट चैप्टर है इसी के अंदर एक पोइम है ना, उस पोइम का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ठीक है ना, बहुत ही प्यारी पोएम है। और ये जो लिखी गई है ना, देखो बेटा, इसके अंदर एक दो तीन चार चार स्टांजा है ना। स्टांजा का मतलब क्या होता है, जैसे चार पैराग्राफ हो गए, एक दो तीन और चार। और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किन्होंने लिखी है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पिक्चर है ना। ये जो है ये अमेरिकन पोइट हैं, बहुत बड़े अमेरिकन पोइट हैं जिन्होंने ये लिखी है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखो बच्चों, दिस वेल नोन पोइम, ये जो जानी पहचानी है ना, प्रसिद्ध जो कविता है, इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जीवन में चॉइस बनाने के ऊपर है ना। जो हम हमारे जीवन में चॉइस लेते हैं, ठीक है ना, हमेशा हमारे पास क्या होती हैं, चॉइसेस होती हैं कि या तो मैं ये करूं या मैं ये करूं, है ना। अगर हमने अच्छी चॉइस अपना ली, ठीक है ना, तो उससे हमारे जो जीवन की शेप है वो अलग तरह की होगी, बहुत अच्छी शेप होगी उसकी, हमारा जीवन सुखद होगा, आने वाला जो जीवन है हमारा ना। और अगर हमने चयन करने में, चॉइस का मतलब क्या होता है, चयन करना, अगर हमने चयन करने में सावधानी नहीं बरती और गलत चॉइसेस हमने अपना ली, है ना, गलत रास्ते पर अगर हम चले गए, तो उससे हमारे जीवन की जो दशा है और दिशा है ना, दशा और दिशा दोनों ही क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ये चॉइसेस ही हैं जो कि हमारे जीवन को शेप देते हैं, आकृति देते हैं, आकार प्रदान करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली, जो बहुत साधारण तरीके से लिखते हैं, साधारण शब्दों में लिखते हैं, बट इनसाइटफुली। लेकिन उनका जो लेखन है वो कैसा है, इनसाइटफुल है। इनसाइटफुल का मतलब अंतर मन को जगाने वाला है ना। अबाउट कॉमन, और वो जो उनका लेखन है वो कैसा है, सामान्य ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, जो दिनचर्या के दैनिक जीवन के जो सामान्य और साधारण जो अनुभव होते हैं, है ना, लेकिन जिनमें क्या एक संदेश छुपा हुआ होता है, इनसाइट, इनसाइट होती है, अंतर्दृष्टि होती है उनके अंदर कोई ना कोई। तो इस तरह का लेखन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये हम पोएम पढ़ेंगे। तो किसके ऊपर है ये, चॉइसेस अपनाने के ऊपर है ना। जीवन में हमें जैसे, अब जैसे बच्चे देखो, अभी तुम लोग 9th क्लास में हो बेटा, है ना, 9th 10th 11th और 12th, है ना, 4 ईयर्स हैं आपके पास में, ठीक है ना। अब इस 4 ईयर की चॉइस है आपके पास कि आप इन 4 ईयर्स का अच्छी तरह से सदुपयोग करो, है ना, या इनको यूं ही इधर उधर घूमने फिरने, टीवी देखने, मोबाइल देखने, इनमें है ना, मोबाइल के ऊपर अलग अलग चीज़ें देखने, बिना मतलब की गेम्स खेलने, उसमें बर्बाद कर दो उसको। तो ये चॉइस है ना आपके ऊपर कि आप इस समय का सदुपयोग करो या इस समय को आप क्या कर दो, व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दो। ठीक है, तो ये चॉइसेस ही हमारे जीवन को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। तो मैं फर्स्ट स्टांजा, इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज डाइवर्ज इन ए येलो वुड। दो सड़कें डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है ना अलग हो जाना, है ना, जैसे यहाँ से ऐसे ये कोई एक रास्ता है, फिर यहाँ से ये एक रास्ता इधर छट गया, एक रास्ता इधर छट गया, तो ये क्या हो गई बताओ, ये इस जगह पे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, है ना। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, है ना। अब वुड माने वैसे लकड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, जंगल, है ना, येलो पीला जंगल। पीले जंगल से क्या मतलब बेटा, कि जब पतझड़ होता है, क्या होता है, जब पतझड़ होता है तो पतझड़ में क्या होता है ना, पत्तियाँ गिरती हैं, और पत्तियाँ कैसी जाती हैं, पीली हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको पतझड़ का, देखो ये देखें आपको, ठीक है ना,
ये सब फिक्चर्स किसकी हैं, पतझड़ की हैं। देखो कितना पीला हो रखा है ये, है ना, सारा का सारा क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, देखो, है ना। ये सब क्या है बेटा, ये पतझड़ की वजह से ये फॉरेस्ट कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है ना। द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, दो सड़कें है ना पतझड़ वाले जंगल में क्या होती हैं, अलग छटती हैं, अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। एंड सॉरी, और मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, मैं दोनों को के ऊपर चल ना सका, क्योंकि एक व्यक्ति तो एक ही रास्ते पर जा सकता है ना, दो रास्ते पर कैसे जा सकता है। एंड सॉरी, और मुझे दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और चूंकि मैं अकेला यात्री था, ट्रेवलर का मतलब क्या होता है, यात्री, है ना। देखो तो बहुत ही प्यारी पोएम है बेटा, इसको ध्यान से सुनो, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है, अभी आएगा वो, ठीक है ना। और एंड बी वन ट्रेवलर, मैं एक यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, है ना, असमंजस की स्थिति में है, किस रोड पर जाऊं किस पे नहीं जाऊं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक को देखा, उनमें से पहले एक को, एक रोड को देखा, एक सड़क को देखा, एज फार एज आई कुड, जितना कि मैं कर सकता था, जितनी दूर दृष्टि मेरी जा सकती थी उतना दूर तक मैंने उसे देखने की कोशिश की। तो वो जो पहली सड़क थी वो टू वेयर इट वेंट, तो वो मुड़ गई, है ना, बैंड, बैंड यानी मुड़ जाना, और बैंड यानी मुड़ गई, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या थी, झाड़ियां थी और बुसेस, बसेस किसको बोलते हैं, झाड़ियों को बोलते हैं, बी यू एस एस एच ई एस, बुसेस और प्लांट्स, ठीक है ना, और कैसे घने, है ना, घने झाड़ियां थी और प्लांट्स थे, उनमें जाके वो क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बेटा, जो पहली सड़क थी तो उसकी दृष्टि दूर तक जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको देखने में, है ना, पहली जो सड़क है उसको वो दूर तक देख पा रहा है ना, और जब जहाँ लास्ट में उसकी जो नज़र जा रही है वहाँ फिर उसको क्या दिखाई दे रही हैं, झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, है ना, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो पहली सड़क है वो कैसी है, क्लियर है, है ना, बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है बताओ, दूर तक उसमें दिखाई दे रहा है। दूर तक कब दिखेगा, जब सड़क कैसी हो, है ना, साफ। और अब देखो तुम किसी सड़क पर खड़े हो जाना, बिल्कुल सीधी सड़क है ना, तो कुछ दूरी तक आपको माना किलोमीटर दो किलोमीटर तक तो वो सड़क दिखाई देगी, उसके बाद फिर सड़क दिखना बंद हो जाएगी, फिर उस सड़क के आसपास के जो पेड़ होंगे सिर्फ वही दिखेंगे आपको, है ना। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि जो पहली सड़क थी वो साफ दृष्टिगोचर हो रही थी, दिख रही थी हमको, है ना, और फिर वो सड़क किस में मुड़ गई, अर्थात उस सड़क किस में विलुप्त हो गई, वो पेड़ पौधों में और झाड़ियों में वो विलुप्त हो गई। इसका मतलब ये पहली जो सड़क है वो कैसी है, बिल्कुल क्लियर है और साफ है, ठीक है। अच्छा, अब अपन सेकंड इसका स्टांजा, एस टी ए एन जेड ए, स्टांजा या पैराग्राफ पढ़ते हैं। देन टुक द अदर, फिर वो दूसरे रास्ते पे आ गया, है ना, क्योंकि जहाँ से छट रहे हैं ना दोनों रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, तो पहले तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, अब दूसरे रास्ते पे आ गया। देन टुक द अदर, फिर उसने दूसरा रास्ता लिया, दूसरे रास्ते पे आ गया, जस्ट एज फेयर, वो भी ऐसा ही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन शायद संभवतया, परहैप्स का मतलब क्या होता है, संभवतया बेटर क्लेम, है ना, यहाँ पर कुछ अच्छा क्लेम मिल सकता था, है ना, अच्छा कुछ करने को मिल सकता था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इसके पे घास ही घास थी, है ना, एंड वॉन्टेड वियर, है ना, वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब क्या है, ये किसी के द्वारा उपयोग नहीं लिया गया था, है ना, वॉन्टेड वेयर का मतलब क्या है, हैड नॉट बीन यूज्ड, इसको उपयोग में नहीं लिया गया। अब तुमने देखा होगा बेटा, अगर कोई रास्ता उपयोग में नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा, वो रास्ता झाड़ियों से और दूसरी चीज़ों से क्या हो जाएगा, वो उग जाएंगे उसके ऊपर, है ना, तो उस वो रास्ते के ऊपर वो चीज़ें कब्जा कर लेंगी, है ना। तो ये जो रास्ता था दूसरा, इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा करने की संभावनाएं थी, परहैप्स द बेटर क्लेम,
अच्छा किया जा सकता था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घास उग गई थी, एंड वॉन्टेड वेयर, और ये किसी के द्वारा भी उपयोग में नहीं ली गई थी। देखो तो पहला जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ सुथरा था, क्लियर था बिल्कुल, अर्थात उस पर लोग आ जा रहे थे रेगुलरली। दूसरा जो है ये कैसा है, ग्रासी है, घास उग गई है इसमें, शुरू में ही घास उग गई, उसमें तो क्या है लास्ट में दिख रहा है, वो लास्ट तक बिल्कुल साफ दिख रही है उसको, पूरी रोड क्लियर है, इसमें शुरुआत में ही उसको ग्रासी नज़र आ रही है, एंड वॉन्टेड वेयर, और ये किसी के द्वारा भी उपयोग में नहीं ली गई है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, पासिंग देयर का मतलब वहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, है ना, उन्होंने हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वॉर्न का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होती है वो धीरे धीरे, है ना, नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई एक रास्ता है ना, उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो छोटी मोटी जो घास फूस होगी वो सब क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक है ना, कि जो पासर बाई थे, जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जो फर्स्ट रोड थी उसको तो क्या कर रखा था, अच्छी तरह से वार्न किया हुआ था, है ना, उसके जो वहाँ पे रास्ते के अंदर जो पेड़ पौधे या घास फूस जो थी वो सब कैसी कर रखी थी, वार्न कर रखी थी। लेकिन ये वाला जो रास्ता था ये कैसा था, ग्रासी था, और वॉन्टेड वेयर ये अभी तक किसी ने उपयोग में नहीं लिया गया था। तो इस तरह से दो प्रकार की, एक प्रकार की सड़क का वर्णन इसमें किया गया है, दूसरे प्रकार की सड़क का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। अब हम इसके थर्ड स्टांजा पे चलते हैं, थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, है ना, अब जो लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बहुत सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, उस जगह पे खड़े हुए हैं, है ना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और वो बोथ किसके लिए आया, दोनों सड़कों के लिए आया है, और वो दोनों सड़कें उस सुबह इक्वली ले, है ना, समान रूप से लेटी हुई हैं। ले का मतलब लेटा हुआ होना, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिछी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं, दृष्टिगोचर हो रही हैं, ठीक है ना। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, है ना, लेकिन अब रात के बाद में अगले दिन की सुबह की जल्दी की बात है, तो रात के अंदर क्या है, दोनों सड़कों के ऊपर कौन है, पत्ते गिरे हुए हैं, लीव्स, लीव्स का मतलब पत्तियाँ गिरी हुई हैं, और किसी ने भी स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम, है ना, एक कदम दो कदम, नो स्टेप, किसी ने कोई कदम भी नहीं चला है। ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉड किससे बना बेटा, ट्रीड से बना है, TREAD, ट्रीड, ट्रीड का मतलब चलना, है ना, ट्रीड की थर्ड फॉर्म हो गई ट्रॉडन, है ना। ब्लैक, ब्लैक कब होता है बेटा, कि जब किसी कोई, हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ पर पत्तियाँ पड़ी हुई हैं तो हमारे पैरों से कुचल जाएंगी ना, और वो क्या हो जाएंगी, काली हो जाएंगी, है ना। तो वो अगले दिन सुबह की बात है, जल्दी सुबह की बात है, तो कोई यात्री दोनों ही रास्तों पर नहीं गया है ना, तो उस वाले पर जो बिल्कुल क्लियर है उस पर भी नहीं गया है, और जो जो ग्रासी है, है ना, घास फूस भरा, और जो जिस पर कोई नहीं चला है वो भी वैसे ही उस पर पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और इन दोनों ही रास्तों पर कोई कदम बढ़ाकर किसी के द्वारा भी इन पत्तियों को, है ना, रौंदा नहीं गया है और काला नहीं बनाया, अर्थात वो पत्तियाँ नष्ट नहीं हैं, यानी पत्तियाँ बिछी पड़ी हैं, दोनों रास्तों पर पत्तियाँ क्या हैं, बिछी पड़ी हैं, लेकिन पहला रास्ता क्या है, बिल्कुल क्लियर है, और दूसरे रास्ते में क्या है, बहुत सारी घास फूस, बहुत बड़ी बड़ी घास, और उसको किसी के द्वारा भी उपयोग नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ पे लेखक का निर्णय आता है बेटा, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह मैंने रख दिया पहले रास्ते को फॉर अनदर डे, इसको मैं बाद में चलूंगा। देखो बेटा कितनी, अब यहाँ चॉइस का मैटर आ गया, लेखक की चॉइस का मैटर आ गया, लेखक अपनी चॉइस निर्धारण कर रहा है, है ना, चयन कर रहा है दो चॉइसेस में से, है ना। जैसे कई बार होता है ना, तुम लोगों को पढ़ना है, होमवर्क करना है, और कोई फ्रेंड आ गया तुम्हारा, शैतान फ्रेंड, चल घूम के आते हैं, मस्ती करके आते हैं, है ना, तो तुम्हारे मन में दो चॉइस हो गई ना, एक चॉइस तो ये है कि तुम उस काम को पूरा करो जो तुम कर रहे हो, दूसरा ये वो मटरगस्ती करने के लिए चले जाओ उसके साथ, ठीक है ना। तो ये वही पॉइंट आ गया,
तो लेखक कह रहे हैं, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने जो पहली रोड थी उसको अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि इसको मैं बाद में देखूंगा, है ना। देखो बेटा कितनी बड़ी बात आने वाली है अभी, है ना। तो लेखक ने जो फर्स्ट चॉइस थी, जो साफ सुथरी रोड थी जिस पर लोग आ जा रहे थे, जो कॉमन रोड थी, उसके लिए लेखक कह रहा है कि मैं उस पर नहीं गया, मैंने उसको अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि बाद में देखूंगा, इसको बाद में चलूंगा मैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, जानते हुए भी, है ना, यट नोइंग जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा मुझे, ये मुझे पता था, है ना, कि मैं इस रास्ते में जहाँ घास फूस उगी हुई है, कोई नहीं जा रहा है यहाँ पे, इस रास्ते में मुझे संकट मिलेंगे, है ना। तो उस रास्ते की कठिनाइयों के बारे में लेखक को पता था, भान था लेखक को। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, है ना, तो फिर भी लेखक ने कौन से रास्ते को चुना, सेकंड रास्ते को चुना, और फर्स्ट रास्ते को उसने अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। आई डाउटेड, मुझे संदेह था इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा भी या नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे रास्ते पर जाने वाला था जो आज तक किसी के द्वारा भी नहीं चला गया है, जिस पर खूब सारे, तो बेटा यहाँ जो दूसरा रास्ता है जहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी घास उगी हुई है ना, जो अभी तक किसी के द्वारा वांटेड वियर नहीं किया गया, किसी के द्वारा नहीं चला गया है, तो वो किसका प्रतीक है, वो एक ऐसे रास्ते का प्रतीक है जो अनयूजुअल है, जो सामान्य नहीं है, है ना, जो हटके है, लीक से हटके चलना, ठीक है ना। तो लेखक को संदेह था कि मैं इस रास्ते से वापस आ पाऊंगा भी या नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी देखो उसने चॉइस, अपनी चॉइस रखी है, उसने अपने दिल की बात सुनी, है ना, कि मुझे फर्स्ट रोड पे नहीं जाना जिस पे कि आम लोग चलते हैं, मुझे दूसरे रास्ते पे जाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। अब इसका लास्ट स्टांजा, देखो यहाँ चॉइस निर्धारण कर दी कि नहीं कर दी लेखक ने, है ना। अब देखो इसका रिजल्ट बताएगा लेखक कि इसका रिजल्ट क्या हुआ इस चॉइस का। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई का मतलब होता है जैसे लंबी सांस भर के हम कोई चीज कहते हैं, ठीक है ना, गहरी सांस भर के, और फिर है ना थोड़ा रुक के सोच के, गहरी सांस भर के जब हम कुछ कहते हैं तो उसको साई बोलते हैं, है ना। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं इसे बताऊंगा, है ना, एक लंबी सांस भरकर। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, है ना, हेंस का मतलब है हेयर, यहाँ से, है ना, यानी अब, हेयर का मतलब क्या हो गया, यानी अब से, एजेस एंड एजेस, है ना, वर्षों वर्षों बाद, है ना, आज से, जब वो अपनी चॉइस निर्धारण कर रहा था वो दिन हो गया कि नहीं हो गया, वो दिन कौन सा हो गया, आज का दिन हो गया जिस दिन वो अपनी चॉइस निर्धारण कर रहा है ना। तो लेखक कह रहा है कि उस दिन से एजेस एंड एजेस, है ना, वर्षों वर्षों बाद कहीं पर मैं बताऊंगा लोगों को लंबी सांस भरकर कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि दो सड़कें एक जंगल में, वुड क्या है, जंगल, जंगल में डाइवर्ज हो रही थी, है ना, रास्ता अलग अलग छट रही थी, अलग अलग रास्ते की ओर छट रही थी, जा रही थी। एंड आई, और मैंने, डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या है, और मैंने चॉइस जो है मेरी वो कैसी बनाई, उस रास्ते की मैंने चॉइस बनाई जो रास्ता आम नहीं था, है ना, जो रास्ता लीक से हटके था, ठीक है ना, जो लोग बेटा अन्य लोगों से अलग हटके सोचते हैं, है ना। देखो तुम सोचो बेटा, हमारे देश के अंदर सती प्रथा का उदाहरण लो आप, है ना, सती प्रथा कितनी ब्रूटल थी, है ना, कितनी अमानवीय थी, है ना, कि महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, है ना। अब बेटा एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, है ना, उनसे देखा नहीं गया, हालांकि देखा तो बहुत से लोगों से नहीं गया, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन राजा राम मोहन राय ने
कि कहा कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा, अलग रास्ते पर चलूँगा। और बेटा उन्होंने इस सती प्रथा के लिए क्या क्या नहीं किया, इसको बैन कराने के लिए, इसको प्रतिबंधित कराने के लिए उन्होंने कितने सारे आंदोलन चलाए। बहुत बड़े समाज सुधारक थे वो, है ना। तो वो एक ऐसे रास्ते पर चले जो आम रास्ता नहीं था, क्योंकि आम जनता में तो क्या थी, सहमति थी कि भाई सती प्रथा जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो क्या थे, एक अलग रास्ते पर चले, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं तो टू रोड्स डाइवर्स इन ए बोर्ड, कि सदियों बाद, है ना, वर्षों बाद जब मैं लोगों को बताऊंगा कहीं कि, तो मैं कैसे गहरी सांस लेके बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए बोर्ड, कि दो सड़कें एक जंगल के अंदर पृथक हो रही थीं। एंड आई डैश डैश, तो यही कह रहा है लेखक, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, आ गया ना, देख लो बेटा ये इसका, कि मैंने उस सड़क को लिया, मैंने उस सड़क को चुना, है ना, द वन, उस सड़क को मैंने, उस सड़क को चुना मैंने, लेस ट्रेवल्ड बाई, जो कि कम चली गई थी, जिस पर कि लोग कम गए थे, है ना, जो कि जिस पर लोग कम चले थे, यानी मैंने उस रास्ते को चुना जो कि रास्ता आम लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। तो जो कम ट्रेवल की गई थी रोड, उस रोड को मैंने चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा का सारा मेरे जीवन के अंदर अंतर पैदा किया, यानी आज जो फुलफिलमेंट मिल रहा है मुझे, जो मुझे संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिल रही है ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिला, उस चॉइस की वजह से मिला कि दो रोड जो वुड में डाइवर्ज हो रही थी, तो मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल्ड था, जो कि कम लोगों द्वारा या लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा नहीं चला गया था। मैंने उस रास्ते पर चल के अपना मुकाम हासिल किया, अपनी जो मेरी इच्छाएं थीं, जो मैंने सोचा था, वो मैंने हासिल कर लिया, और इसी से एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो भी मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आया वो सब इस चॉइस की वजह से ही आया है। देखो बेटा कितना बड़ा संदेश इसके अंदर दिया गया है, है ना। अर्थात क्या है, है ना, कि हमको हर्ड मेंटेलिटी, सुना होगा ना आप लोगों ने हर्ड मेंटेलिटी, हर्ड का मतलब क्या होता है, भेड़, है ना, एक भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, एक व्यक्ति जा रहा है हम उसी के पीछे जा रहे हैं, है ना, कोई चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, बस ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा, है ना। तो हमें बेटा हमारे दिल की बात सुननी चाहिए, है ना, मन की बात सुननी चाहिए, और उस रास्ते पे हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होके, ठीक है ना, ऐसे ही बेटा देखो ये कितनी, इसमें एक सामान्य जीवन की चीज़ है ये, यानी आपके जीवन में बहुत बार ऐसे वो आएंगे जब आपके पास दो चॉइसेस होंगी, है ना, ऐसी घटनाएं दिन में भी आ सकती हैं, दिन में कहो तो 10 बार आ जाएं आपके सामने कि ये करूं या ये करूं, ठीक है ना, आपके मन लगा अरे यार आलस आ रहा है सो जाता हूं, है ना। तो मन बहुत चालाक होता है ये, है ना, ये हमको क्या करता है, धोखा देता है, यानी ये आसान जो चॉइसेस होता है ना वो हमारे सामने रखता है मन जो है, है ना। एक तो पढ़ने की चॉइस है, एक सोने की चॉइस है, तो मन किसकी चॉइस देगा आपको, है ना, सोने की देगा, है ना, सोने को प्रेफर करेगा आपको, सो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही समय का सदुपयोग वाली है, एक फ्रेंड सर्किल की है कि आप किस तरह के फ्रेंड्स के साथ में चॉइस अपनी बनाते हो, अच्छे दोस्तों के साथ या बुरे दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसमें बेटा हमें बहुत केयरफुली हमें चॉइसेस हमारे जीवन में निर्धारित करनी चाहिए, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंसाइटफुल है, है ना। तो ये जो बेटा साहित्य है ये जीवन में रस भरता है, है ना। देखो तो मैथ्स पढ़ो आप, साइंस पढ़ो, है ना, उस हालांकि उनसे भी संतुष्टि मिलती है, लेकिन असली संतुष्टि हमको किससे मिलती है, साहित्य पढ़ने से मिलती है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चों।